बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की न्यूज़ पाकिस्तान की जानिब से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा, अपने घर में रहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, मेरी जान भी चली जाए तो चोरों को नहीं छोड़ूंगा। हाई पावर कमीशन बनाया है जो तहकीकात करेगा कि 10 साल में 24,000 अरब रुपए का क्या किया गया। इसमें ISI समेत मुल्क के तमाम इदारे शामिल होंगे। 30 जून के बाद बेनामी असासे और जायदादें जब्त हो जाएंगी। अपोजिशन ने मुल्क को तबाह किया, अब शोर मचा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक कौम को बजट पर एतमाद में लेते हुए वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मेरे पाकिस्तानियों, आज तहरीके इंसाफ ने पहला बजट पेश किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बजट नजरिया पाकिस्तान की अक्कासी कर। उन्होंने कहा कि मेरा नया पाकिस्तान रियासत मदीना के असूलों की पैरवी में एक अजीम मुल्क बनेगा। ये एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। मदीना की रियासत एक मॉडल रियासत थी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मदीना की रियासत के असूल जो थे वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोपीय ममालिक में हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इंसान कानून के ताबे हैं। हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। रियासत मदीना का बड़ा असूल यह है कि हुक्मरान अवाम को जवाबदेह होता है। उन्होंने कहा कि मदीना की रियासत में अमीर से पैसा लेते और गरीब का खर्च होता था। रियासत में एहसास था, अकलियतों के बराबर हकूक हासिल थे। ये एक मॉडल रियासत थी। गुलामों को हकूक दिए और औरतों को भी हकूक दिए। इनका कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी खुतबा था वो अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर में शामिल है और मेरा भी यही नजरिया पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना कोई पहले ही दिन रियासत मदीना नहीं बन गई थी। मैंने पाकिस्तान में वो काम किया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि बड़े बड़े बुर्ज आज जेलों में हैं। ये है नया पाकिस्तान। कोई सोच सकता था कि जो जजों को फोन करके फैसले करवाते थे वो जेलों में होंगे। उन्होंने कहा कि अब अदलिया आजाद है। नैब का चेयरमैन इमरान खान ने नहीं लगाया था, इन दोनों जमातों ने मिलकर लगाया था। इनका कहना था कि अब पाकिस्तान में तब्दीली आ रही है, आइन और कानून की बालादस्ती कायम हो रही है। हमारे मुल्क में जमहूरियत इसलिए नहीं चल रही है क्योंकि सियासी इत्तेफाक राय नहीं है। मुझे पहले दिन कौमी असेंबली में तकरीर नहीं करने दी गई। मैं इनका क्या बिगाड़ता था? इन पर ये जो केसेस हैं ये मेरे दौर में नहीं बने, हमने तो नहीं बनाए, लेकिन मुझ पर ये क्यों पहले दिन से शोर मचाया जा रहा है कि मेरी गलती क्या है? मेरी गलती ये है कि मैं इनके ब्लैकमेलिंग में आकर इनको NRO नहीं दे रहा हूँ जो ये चाहते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो हमें गुर्बत मिली और अवाम को जलील किया गया, ये 2 NRO की वजह से हुआ है। नून लीग और पीपल पार्टी की 2 दफा हुकूमतें गई और करप्शन की वजह से गई। नवाज शरीफ की 2 मरतबा हुकूमत आई तो इसने आसिफ अली सरदारी को 2 मरतबा करप्शन की वजह से जेल में डाला। आज ये इकट्ठे हो गए हैं। नवाज शरीफ को पहली बार जनरल मुशर्रफ ने NRO दिया। ये पहले मुल्क से बाहर चले गए और फिर अपने रिश्तेदारों और नौकरों के जरिए पैसा वापस लेकर आए। दूसरा NRO आसिफ अली जरदारी को मिला क्योंकि जब सिरे महल फरोख्त हुआ तो वो पैसे वापस मुल्क में आने थे, लेकिन वो NRO से जरदारी को मिले। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।